बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फारिस सिद्दीकी और आज सीएफडी किचन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अल्फ्रेडो फेटुचिन पास्ता। बहुत ही शानदार बनता है, बहुत ही जबरदस्त बनता है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, इसको फॉलो करें। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको बताता चलूँ। अभी हम करेंगे इसकी मैरिनेशन, तो चिकन में मैरिनेशन में क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी चिकन। चिकन हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 300 ग्राम, 300 ग्राम की चिकन है जिसमें हमने सीने का पीस लिया है, ब्रेस्ट पीस है, ठीक है। ये 300 ग्राम हम यूज करेंगे मैरिनेशन के लिए। उसके अलावा जो इसमें अदर इंग्रीडियंट्स यूज होंगे, नमक जो है टू टेस्ट ले लें हसबे जायका, और गार्लिक पाउडर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हाफ टेबल स्पून, और इसमें कुटी लाल मिर्च जो है ये भी हाफ टेबल स्पून इस्तेमाल होगी। ब्लैक पेपर पाउडर है ये भी हाफ टेबल स्पून इस्तेमाल होगा, और इसमें दही का इस्तेमाल होगा, दही जो है हम लेंगे 2 टेबल स्पून, और इसमें सोया सॉस इस्तेमाल होगा वो जो है 1 टेबल स्पून है, और इसके अलावा ऑयल। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल जो है सिर्फ मैरिनेशन में होगा, इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऑयल जो है वो है 1 टेबल स्पून। मिक्स हर्ब्स हम इसके अंदर लेंगे, मिक्स हर्ब्स भी जो है वो 1 टेबल स्पून है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैरिनेशन के लिए है। आए हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैरिनेशन के लिए, इसमें मैं सारी चिकन जो है इसके अंदर मैं डाल दूंगा। सबसे पहले सारे चिकन में के फ्ले जो है मैंने इसमें डाल दिए। अब सबसे पहले मैं डालता हूँ उसमें ब्लैक पेपर, कुटी लाल मिर्च ये भी इसमें डाल दें, गार्लिक पाउडर ये भी, नमक टू टेस्ट अपने हिसाब से ले लें, दही जाएगा इसमें, सोया सॉस, और ये ऑयल जो कि सिर्फ हम इसको जो है मैरिनेशन के अंदर यूज करेंगे, इसके अलावा इसका इस्तेमाल नहीं है। अब लास्ट में डालेंगे मिक्स हर्ब्स, इसको वन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैरिनेशन मैंने कर दी है। इसको हार्डली 15 से 20 मिनट की इसकी मैरिनेशन करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट क्रिएट होगा। इसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है, इसको बाहर ही रख दें आप कवर करके। इसके पास मेरे पास कवर है, इसको मैं कवर कर देता हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक ये मैरिनेशन हो रही है हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह पतीला जो है मैंने चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब बॉइलिंग जो है पॉइंट पर आके हम इसके अंदर जो है पैकेट के मुताबिक जो चीजें हैं वो हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगा पैकेट के मुताबिक इसमें हमने नमक डालना है। नमक मैं इसमें ले रहा हूँ हाफ टेबल स्पून। चंद ड्रॉप्स जो है ऑयल के वो आप जो है इसमें डाल दें, इनफ है। अब इसके बाद जो हम इसमें यूज करेंगे फेटुचिन पास्ता, देखें ये वाला पास्ता होता है जो अल्फ्रेडो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं पूरा का पूरा डाल दूंगा। ये 300 ग्राम है, ठीक है, तो 300 ग्राम मैं इसमें डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जो है हम इसको बॉइल करेंगे। बॉइलिंग टाइम जो पैकेट के मुताबिक है वो तकरीबन 8 से 9 मिनट का इसका बॉइलिंग टाइम है। अब इसको बॉइल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे मिलेंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। पास्ता जो है 90% हमने इसको जो है बॉइल किया है, देखें आप इस तरह से 90% अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। इसको 100% नहीं करना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब मैं इसको करूंगा ड्रेन। ड्रेन करते वक्त जो है मैं इसका 1 कप जो है इसका जो वाटर है पानी है इसको मैं बचा लूंगा, इसको आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप में मैं इस्तेमाल करूंगा। वो कब करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं करने जा रहा हूँ उसको ड्रेन, ठीक है। फिर इसके बाद जो चिकन हमारी मैरिनेशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है, टाइम पूरा हो गया, अब हम चिकन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम चिकन को जो है लाइट फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैरिनेशन में हमने ऑयल जो है ले लिया है, तो अब ये कि हल्का लाइट फ्लेम पे जो है पैन आप रख दें, और फिर उसके बाद जो है चिकन के फ्ले जो है इसके पीसेस पे डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईच साइड जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है हमने फ्राई करना है। फिर 3 से 4 मिनट के बाद जो है इसकी दूसरी साइड को फ्राई करना है। हमारी एक साइड जो है फ्राई हो गई है, आप क्या करेंगे अब एक दूसरी साइड पर हम इसको पलट लेंगे। अब इसको दूसरी साइड से कुक करेंगे। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि ओवर कुक ना हो, वरना इटसेल्फ जो है उसका टेक्सचर ख़त्म हो जाएगा और जो है इसके अंदर जो जायका है वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि चिकन जो है हमने सारी फ्राई कर ली है। अब इसके बाद जो बनता है लास्ट प्रोसेस है, इसमें हम बनाएंगे अल्फ्रेडो सॉस। बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, तवज्जो से देखिएगा किस तरह से मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून जो है ऑयल, ठीक है। ऑयल 1 टेबल स्पून इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि इसमें जब मैं बटर डालूँ तो वो इसमें जो है जले नहीं और इसमें बबल्स ना बने, तो मैं 1 टेबल स्पून जो है 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें डालूंगा बटर। इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगा ताकि जो है ये मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगा 1 टेबल स्पून गार्लिक,
अच्छा गार्लिक जो है हमने इसमें थोड़ा सा चलाना है तकरीबन 30 से 40 सेकेंड्स के लिए कि एक अच्छा सा अरोमा जो है क्रिएट हो। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें डालूंगा मैदा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त और बड़ी अच्छी खुशबू जो है अरोमा क्रिएट हो रहा है। अब इसमें मैं डालूंगा 2 टेबल स्पून जो है मैदा। इसको फौरन मिक्स करूंगा मैं इसमें। अब इसमें मैं डालूंगा दूध, ठीक है, मिल्क इसमें यूज करेंगे, टेट्रा पैक का ले लें दूध जो है वो इसमें मैं डालूंगा। थोड़ा सा जो है मैं पतीले को पीछे करूंगा और उसमें मैं हल्का हल्का डालूंगा दूध ताकि जो है ये इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अब जो है मैं इसको वापस पतीले पे ले आता हूँ। अब दूध इसमें आप सारा डाल दें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें ताकि इसमें बबल्स ना बने और उसकी विस्कोसिटी बरकरार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन क्यूब। इसको जरा मैं हाथ से जरा इसको दबा के पीस के जरा डालें और इसको मुसलसल चलाएं। अब मैं इसमें डालूंगा क्रीम, पूरी क्रीम डाल दें इसमें। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगा व्हाइट पेपर, हाफ टी स्पून इसमें डालूंगा मैं ब्लैक पेपर, ओरिगानो भी इसमें हम यूज करेंगे हाफ टी स्पून। अब इसको चलाएंगे इसमें। थोड़ा सा डालूंगा मैं इसमें नमक, हसबे जायका अपने हिसाब से देख लें, मुसलसल चलाते रहें। अब इसके बाद डलेगा इसके अंदर मोजरेला। मोजरेला हम इसमें यूज करेंगे तकरीबन हाफ कप शेडेड मोजरेला इसमें डाल दें। और लास्ट में इसमें हम इस्तेमाल करेंगे जो बॉइल्ड वाटर जो हमने जो है लिया था उसका बचा लिया था पास्ता का, तो वो इसमें हम हाफ कप डालेंगे। इस चीज का खास ख्याल रखना है कि हमने जो है इसको थिक नहीं रखना, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा नहीं रखनी, इसको पतला रखना है। इस चीज का खास ख्याल रखना है, इस वजह से इसको आप मुसलसल चलाते रहें ताकि ये ज्यादा थिक ना हो। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैं अब इसमें डालूंगा मैं पास्ता। इसको मैं करूंगा अच्छे तरीके से मिक्स, सॉफ्ट हैंड से करें ताकि टूटे भी नहीं और अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाए। टेक्सचर देखें आप कितना जबरदस्त इसका क्रिएट हुआ है। थोड़ा सा इसका पानी में और लूंगा ताकि जो ये सही तरीके से और मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट हमने बस हार्डली इसको कुक करना है, फिर उसके बाद इसको सर्व करेंगे। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट कुक हो चुका है। आप क्या करते हैं अब हम इसको जो है सर्विंग में लेकर आते हैं, इसके ऊपर जो है चिकन के फ्लेयर रखते हैं, फिर आपको फाइनल मोड में दिखाते हैं कि कितना जबरदस्त किस्म का बना है अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का अल्फ्रेडो फेटुचिनी पास्ता बेहतरीन तैयार हो चुका है। कितना जबरदस्त, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है, क्या टेक्सचर, क्या अरोमा और क्या जबरदस्त चीज तैयार हुई है। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि इसको ट्राई करें, बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत ही डिफरेंट और अच्छी रेसिपी है ये, इसमें मैंने काम किया है। इंशाल्लाह ताला इस तरह अपकमिंग वीडियो में जो है आपसे मैं जुड़ा रहूं। आप मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दिया करें, कॉमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।